जो यूरोपियन कोर्ट है उनकी कोई इतनी अच्छी राय नहीं है, मुस्बत नहीं है। तो मेरे ख्याल में जूलियन असांज को हवाले करने से पहले एक लंबी अदलिया की जंग होगी, उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर जूलियन असांज बरतानिया से अमेरिका भेजा जाता है कि उसके ऊपर टॉर्चर नहीं होगा, उसको फिर भेजा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से एस्पियनाज या स्पाइंग के आप चार्जेस समझते हैं कि भेजा नहीं मुश्किल लगेंगे काम है और इतना उसके आसान ऊपर नहीं कि कोई फौरन उठा के दे देंगे। मलिक साहब, आइंदा दिनों में आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, बातें सुनिए आप। अच्छा, मलिक साहब का कहना है कि जो पादरी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उनके कुछ इरादे अच्छे नहीं थे, और ये बड़ी टॉलरेंस वाली सोसाइटी है, और ऐसा नहीं कि वो यहाँ आके कोई ऐसा काम शुरू कर दें तो एक नया इशू शुरू हो जाए। आप कैसे देखते हैं इसको? सर, आपने कहा कि वीजा रिफ्यूज हुआ और आपने राइट ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की है। यस, अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी वन, हर आदमी का जो होता है ना राइट ऑफ ट्रेवल होता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही हर गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और पीस को मेंटेन करे। अब अगर उसका जो राइट ऑफ ट्रेवल है उसी वजह से जो उसको ये इजाजत नहीं है कि जो पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर है उसको खराब करें। इन राइट ऑफ वायलेंस किसी को नहीं है। जैसे कि इसमें मिसाल देता हूं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि हम श्रीनगर के लाल चौक में झंडा लड़ाएंगे हिंदुस्तान का, तो नतीजे के तौर पर कश्मीरी सारी जमातें जो है अपने इख्तलाफात भूल कर इस पॉइंट पर इकट्ठी हो गई कि वहां को पर उनको आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा। तो भारतीय गवर्नमेंट ने भी और जो श्रीनगर की गवर्नमेंट है उसने भी क्या किया कि उन्होंने पाबंदी लगा दी, और नतीजे के तौर पर तो बेसिक कोर्स क्या थी, झंडा उन्होंने नहीं लड़ाया, उनको पाबंद कर दिया गया, उनको गिरफ्तार कर दिया गया लखनपुर के पहले ही, कश्मीर में दाखिल होने से पहले। तो दूसरे नुकते में हर गवर्नमेंट का यह मसला है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। अगर यहां पर उसको इजाजत मिलती आने की तो यकीन है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होता है। तो बरतानवी गवर्नमेंट की जो पहली जिम्मेदारी है वो ये मेक श्योर करना है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना पैदा हो और यहां की जो रेस रिलेशन है वो मसला है उसको खराबी ना किए जाए, ये ना हो कि मुसलमानों को इंटिमिडेट किया जा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी बात कर रहे थे ना अमेरिकन के रिलेशन की और ये अभी मैं ये कह रहे थे कि जूलियन सांचे की भी बात आई थी। देखिए, इनके आपस में एक्सटेडिशन ट्रीटी है जो 2003 में वजूद में आती है। बेसिकली वो ये चीज ना रिलेटेड टू जो है ना जो होते हैं टेररिज्म रिलेटेड मैटर्स थे। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को उन्होंने भेजा जो से कि मसलन जो फ्रॉड के केसेस में थे, जो मैंने कहा उनका नाम था नेटवर्क 3 के नाम से मशहूर थे वो लोग, उनको उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। असांचे का केस जरा डिफरेंट बन गया, इसलिए कि ये क्लासिक इंटरनेशनल फिगर बन गया आप अंदाज में, इसकी बड़ी सपोर्ट भी आ गई है। और उन्होंने ये भी ऐसा जिक्र किया है कि वहां पर उसके लिए उसका जान का भी खतरा हो। तो इन व्यू ऑफ दैट हो सकता है कि उसमें कुछ डिले हो, लेकिन बाय एंड लार्ज अमेरिकन अक्सर अपने बंदे को ले आते हैं। एक बरतानिया वाले जरूरी नहीं है कि अपने बंदे को ले आए। मैं इसकी मिसाल देता हूं, IRA के कितने लोग थे, इवन दो के स्पेशल रिलेशनशिप थैचर और रेगन के दरमियान था, उस वक्त थैचर पर हमला भी हुआ, उस पर कतराना हमला हुआ, और IRA को सबसे ज्यादा सपोर्ट कहां से आ रही थी, अमेरिका से आ रही थी। लेकिन कोई आदमी ये बता सकता है कि एक भी आदमी IRA का जो है एक्सरसाइज होकर यहां आया हो, हिस्ट्री थी जानकर। तो एक लिहाज से मैक्रो लेवल पर बड़े लेवल पर दोनों की मफदात इकट्ठी हैं, लेकिन जब माइक्रो इशू टू इशू आता है अमेरिकन का पाला भारी होता है इसमें। फिर एक बार और आखिरी बात मैं इसमें कहता हूँ कि दूसरे साथी ये ना समझे कि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ। देखिए, मसलन शायद मलिक जो थे वो ईसाई थे, मुसलमान थे, लेकिन हैविंग सेड दैट वो ब्रिटिश मिनिस्टर थे। बहुत लोगों को शायद पता हुआ या नहीं होगा कि अक्टूबर 2007 में उनको वाशिंगटन एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया था और उनकी तलाशी ली गई थी कि आपके पास असला ना हो, और इस पर कुछ ज्यादा शोर नहीं मचा। हाँ, शायद मलिक ने जरूर ये कहा कि मैं इस पर एहतियात करता हूँ, मजम्मत करता हूँ उनकी। उसने कहा कि जिस तरीके से हम उनके जो पार्लियामेंटेरियंस को या कांग्रेस के हों या सेनेटर्स हों जो उनका अवगत करते हैं या उनको जो इज्जत देते हैं, हमारे जो ब्रिटिश हैं उनको भी इज्जत होनी चाहिए। तो अगेन ये शो हो गया कि मामला नहीं है। ठीक है, सजाद साहब, टोनी ब्लेयर की जो अब इराक वार की इंक्वायरी चल रही है, अदालती पेशी भी उनकी सेकेंड टाइम शायद हुई है अब इससे पहले, उनका अभी तक अमरीकी पॉलिसी की हमायत करना, हाल दो उन्होंने जो बरतानवी फौजी जो मारे गए या शहीद हुए हैं उनकी फैमिली से बड़ा कंडोलेंस किया और कहा कि मुझे इस पर बड़ा अफसोस है, उनसे इजहार हमदर्दी भी किया है, और क्या समझते हैं आप टोनी ब्लेयर को कुछ ऐसी बात करनी चाहिए थी या इसका इम्पैक्ट क्या होगा अभी सोसाइटी? लेकिन दो बातें, एक तो आपने कहा कि वो एक तो अमेरिकन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर जो फौजियों की फैमिली है उनके साथ इजहार हमदर्दी कर रहे हैं, ये टोटली एक दूसरे के अपोजिट है।
कि एक आप उनके साथ इदारे हमदर्दी कर रहे हैं, दूसरा आप जो अमेरिकन पॉलिसीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप एक काम करें। अब आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखें इस सोसाइटी पे, इस सोसाइटी पे, दुनिया को छोड़ दिया। देखें अदनान भाई, इस सोसाइटी पे इम्पैक्ट ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताता हूँ। देखें जंग शुरू कहाँ से हुई, जंग शुरू हुई टोनी ब्लेयर का एक बीबीसी के ऊपर रिपोर्ट है, उसमें सारी उसकी स्टेटमेंट दी हुई है टोनी ब्लेयर की, ये 12 दिसंबर 2009 की रिपोर्ट है। उसमें पहले उन्होंने रेफरेंस दिया है टोनी ब्लेयर की स्टेटमेंट का कि उसने कहा कि वहाँ पर वेपन्स बायोलॉजिकल और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद थोड़े अरसे बाद इंटरव्यू हुआ तो उसने कहा कि एविडेंस मिल जाएगा, पहले उसने कहा कि है, दोबारा उसने कहा कि एविडेंस मिल जाएगा, ठीक है। थोड़े अरसे बाद एक और उससे इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि जो आपने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के बारे में अपने खदशात जाहिर किए थे, क्या आपको उस पर क्या अब भी आपको यकीन है कि वो हैं या नहीं, तो उसने कह दिया आई डोंट नो। चौथे इंटरव्यू में उसने 180 डिग्री का पलटा खाया और अपोलोजाइज कर लिया, और अपोलोजाइज करने के साथ साथ ये कह दिया कि वहाँ पर इराक में जो चाइल्ड या जो औरतों के साथ सलूक हो रहा था वो अफ्रीकन कंट्री से भी वर्स हो रहा ह्यूमन वायलेशन, ठीक है। एक तरफ ह्यूमन वायलेशन की बात की, जंग को जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफिकेशन टोटल रॉन्ग, क्योंकि उसके बाद जो वीडियो आएंगे आपने देख लिया कि फौजियों ने वहाँ पर औरतों के साथ और जिस तरह मतलब नौजवानों के ऊपर उनको बरना करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, ठीक है। अब इसका देखें इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ये सिर्फ हो पूरी दुनिया में रहा, चंद एक ममालिक में उसके असरात जो कम है लेकिन बहरहाल है। देखें यहाँ पर रेडिकलाइजेशन बढ़ रही है, लोग कानून को हाथों में ले लेते हैं। अभी आपने देखा फैसल शहजाद को जो अमेरिका में केस हुआ, फिर यहाँ पर आपको 7/7 बम्बिंग या कई इस तरह के और वाकयात है कि लोग जो है वो फिर कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं कि ये कंट्रीज झूठे केसेस बना के झूठ की बुनियाद पे मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर जो वार करती हैं वो बुनियाद किसी और चीज़ के ऊपर आते हैं, लेकिन उनका बेसिक जो मकसद होता है वो वार अगेंस्ट इस्लाम। देखिए वार अगेंस्ट टेरर को अब मुसलमानों की अक्सरियत जो वार अगेंस्ट इस्लाम समझती है, और इस्लाम की प्रोटेक्शन के लिए फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें से मेजोरिटी कंट्रीज के ऊपर या तो डिक्टेटर बैठे हुए हैं या फिर पपेट बैठे हुए हैं। जो इलेक्ट हो के आते हैं उनका भी यही हाल है, और जो डंडे के दौर पर आते हैं उनका भी यही हाल है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। फिर होता क्या है कि नीचे जो आवाम है वो कानून अपने हाथ में ले लेती है। तो इसके इस सोसाइटी पे अगर अब भी ये लोग, मेरे ख्याल में अगर खैर अदालतों में केसेस हैं, हमें अदालतों के केसेस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई नहीं करना चाहिए, अपना ओपिनियन देना चाहिए, लेकिन अंजाम तक मुजरिमों को पहुंचाना चाहिए।